तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो वन गुड लास्ट टाइम मैंने दिया था, जो कि आप लोग नहीं करे हैं क्योंकि आप लोगों की आदत, पूरी वीडियो तो देखे ही नहीं होंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारा काम है पढ़ाना, आप लोगों का काम है मस्ती करना। करते रहिए। मैं हर्ष बेनीवाल या फिर बीबी की वाइन समथिंग लाइक ये तो नहीं हूं कि आप पूरा देखेंगे और मजा करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैं टॉन्ट मार गया बातों ही बातों में। चलिए सो बात करते हैं, अगर हम 1 वोल्ट की, तो ये कनेक्ट रहेगा ठीक उसी प्रकार जैसे इलेक्ट्रिक करंट हमारा किससे, मतलब अगर 1 एम्पियर की बात करूं तो उसका कनेक्शन डायरेक्ट किससे था? इलेक्ट्रिक करंट से था। तो अगर मैं बात करूं 1 वोल्ट की, तो उसका कनेक्शन किससे होगा? अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से होगा भाई, गधे होगा। चलो देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो क्या होता था? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज व्हाट? इलेक्ट्रिक सर्किट के दोनों क्रॉस सेक्शन कंडक्टर से करंट पास आउट होना या चार्ज पास आउट होना। लेकिन एक बात का याद रखना, यहां पे जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात होती है तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होती है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज व्हाट, हम जानते हैं, पढ़ चुके, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड किस पे रहता है? इलेक्ट्रिक चार्ज पे रहता है कि नहीं? बिल्कुल। तो अब बात करते हैं हम 1 वोल्ट की, जो कि पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या होता है भाई। द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी वर्क डन द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी मिनाती द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहां से? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? है। आगे चलते हैं सर, पागल हो गया। हाँ मान लो यार। तो चलो ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन के प्लेस पर आप एक काम करिए, किससे रिप्लेस कर दीजिए? 1 जूल से। सो द 1 जूल, इफ द 1 जूल, तो थोड़ा सा और करेक्शन करते हैं। इफ द 1 जूल वर्क डन टू कैरी 1 यूनिट, यहां यूनिट पॉजिटिव चार्ज था, यूनिट पॉजिटिव, हाँ ओके। सो इसको मैं हटा देता हूं, यहां पे क्या पुट करूंगा? आप सभी जानते हैं 1 कूलाम चार्ज, है ना? 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो अगर बात करूं मैं 1 वोल्ट की, अबे मालूम है कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W बाई क्यू। और V क्या? 1 वोल्ट। अगर मुझे 1 वोल्ट चाहिए तभी होगा ना, जब 1 जूल वर्क डन करूं 1 कूलाम चार्ज लाने में, है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब। तो बस हो गया खत्म। व्हाट इज 1 जूल? व्हाट इज 1 वोल्ट? 1 जूल अपॉन 1 कूलाम, खत्म। सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, बस कनेक्ट करना आपको आना चाहिए। ओके सो अब हम क्या करेंगे? चलिए सर, 1 वोल्ट हो गया, देन इसके बाद आगे बढ़िए सर, बहुत टाइम हो गया। देखिए अब आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने होंगे, न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी के बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं प्रीवियस ईयर के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर चलूंगा, उन्हें ध्यान से देखिएगा, नहीं तो आप कर नहीं पाएंगे बोर्ड में, ठीक है ना? तो सर बोर्ड होगा भी कि नहीं? हाँ फालतू नौटंकी मत करो सर। हाँ तो मत पढ़ो यार, कभी ना कभी तो होगा ना? नहीं होगा क्या? कभी ना कभी तो होगा ही, बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, है कि नहीं? तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, सब जर होगा, 1 महीने पहले रट्टा मार के पढ़ लेंगे। हाँ तो ठीक है, आप जा सकते हैं, 1 महीने वाले बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 महीने वाले हैं तो। अगर आपको नॉलेज लेना है यहाँ पे तो फिर आप पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे प्रीवियस ईयर के, जो कि बोर्ड में आ चुके हैं पहले से। हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये भी देखेंगे कि उन्हें हम कैसे करते हैं। तो मैं अभी यहां पे जादू करूंगा, ठीक है? अपनी वीडियो को पॉज करके, ठीक है? तो चलिए देखिए, अभी पॉज होता है, देखिए हो गया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, आप कुछ बोलोगे सर इतनी देर चिल्ला के, उन्होंने सुनाई दे रहा है, कान फट जा रहा है मेरा। कुछ बच्चों को नहीं सुनाई देता है, इसलिए मैं थोड़ा, अभी मेरे पास माइक वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा लाउड बोल रहा हूं। ओके सो आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के लिए। क्या लिखा है? हाउ मच वर्क इज डन, क्या पूछ रहा है? सबसे पहले यहां देखिए आप किस टर्म में क्वेश्चंस दे रहा है। हाँ तो हाउ मच वर्क डन, तो मेरे से पूछ रहा है, सॉल्यूशन करो यहां पे, यहां फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है वर्क डन, डब्ल्यू क्वेश्चन मार्क,
मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 कूलाम, ये क्यू की वैल्यू गिवेन आउट है, 2 कूलाम चार्ज अक्रॉस द टू पॉइंट, टू पॉइंट भी दिया, अभी टू पॉइंट, ये टू पॉइंट ये वाला है, ये मेरा कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ये 2 पॉइंट्स है, क्लियर है ना, वहां से जा रहा है। सो हैविंग 2 पॉइंट अ पोटेंशियल डिफरेंस 15 वोल्ट, ओके, तो 15 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है मेरे को, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो टर्म्स ऐसे देता कि पहले मेरा 20 वोल्ट था अभी 10 वोल्ट हो गया, तो मैं उसको 2 पॉइंट्स लेकर रखता, ठीक है, वी ए वी बी ऐसा कुछ करता, बट यहां पे तो एक ही दे रहा है, आप चाहे तो इसको डेल्टा वी से बड़े आराम से लिख सकते हैं, बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आप वी से भी लिखते हैं तो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी इज इक्वल टू 15 वोल्ट, अगर दो देता है तो हम डिफरेंस निकालेंगे, बट अगर नहीं दे रहा तो आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, एज यू विश, ओके। सो अब अगर बात करूं मैं वर्क डन टोटल, हाउ मच वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज फलाना ढिमका, तो ठीक है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, वी नो दैट क्या, कि वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, यही तो होता है ना। अब 3 कूलाम चार्ज है तो हमें पता चल रहा है भैया 2 कूलाम क्यों लिख दिया, 3 कूलाम है कि नहीं, विशेष सूत्रों से पता रहता है, पता चलता रहता है, और मेरे से तो घटनाएं होती रहती हैं, आप जानते हैं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगर मुझे W चाहिए तो मैं Q को इधर रिप्लेस करूंगा और W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू, है कि नहीं, W की वैल्यू चाहिए मेरे को, V क्या है, V क्या है 15, और Q क्या है 3, 15 3 45 हो गया कि नहीं, तो W इज 45 जूल एनर्जी, वर्क डन, इतना वर्क डन आपको करना पड़ेगा एक क्रॉस सेक्शन, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उस चार्ज को लाने में, ओके। सो फटाफट नोट कर लीजिए, ये आपका रिजल्ट है। हाँ, एक मिस्टेक देख लीजिए यहाँ पे, इसको भाई नहीं रोने लगोगे तुम लोग, इसको सही कर लेना, ठीक है, ब्लैक से लिख दे रहा हूं, ब्लैक से ही लिखा था मैंने, JOULE, ठीक है, या आप सिर्फ जे लिख दें तब भी चलेगा, ठीक है, आगे चले फटाफट, तो पॉज करता हूं, हो गया जादू, चलो देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है बिटवीन द टू टर्मिनल, आप समझ गए, ऑफ अ बैटरी, देखो बैटरी का टर्मिनल बिल्कुल सही, मैंने यहां पे इस तरीके से बनाया था ना, तो यहां पे जैसे होता है ना, इस तरीके से मैं बनाता था, याद होगा आपको, है ना, या आपके टर्मिनल हो गए ना, हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल, लोअर टर्मिनल, तो यहां से चार्जेस ट्रांसफर हो गए, ओके। सो ऑफ 10 जूल, इफ 10 जूल, सॉरी, If 10 joule is required to transfer the charge of 20 coulomb from one terminal of the battery to the another terminal, एक बैटरी के टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने में भाई लेकर जा रहा है कितना, 20 coulomb चार्ज को, और यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो 20 जूल हो रहा है। सो मुझे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक काम करते हैं, फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, तो मैं फिगर बना लेता हूं और इस टर्मिनल के नाम दे देता हूं, बकायदा इस टर्मिनल का नाम ए हो गया और इसका बी हो गया, तो अगर यहां टर्मिनल्स दो हो गए तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस दो अलग अलग होंगे, वी ए वी बी, ओके, बट इनको जब मैं माइनस करूंगा, ओवरऑल डिफरेंस करूंगा, तो हो जाएगा डेल्टा वी, व्हाट इज डेल्टा वी, वी ए माइनस वी बी, ठीक है ना, ओके। सो अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है मेरे से, कह रहा कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मीन्स डेल्टा वी क्वेश्चन मार्क, ओके, ऑफ अ बैटरी ऑफ 10 जूल इज रिक्वायर्ड, तो W कह रहा है 10 जूल, ओके, देन टू ट्रांसफर द चार्ज यानी Q, Q कितना, 20 कूलाम चार्ज एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सो वी नो दैट, फिर से हम जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो दैट डेल्टा V, दैट इज वी ए माइनस वी बी, या डिफरेंस होता है ये वी बी इज इक्वल टू वॉट डब्ल्यू अपॉन क्यू, अरे कुछ भी लिख सकते हो भाई, जरूरी नहीं है लिखो, शॉर्ट में सिंपल वे भी लिख सकते हो, ओके। मेरे को ये फाइंड आउट करना है, मेरे को डब्ल्यू पता है 10 और कूलाम पता है 20, इसको सॉल्व करूंगा तो 0 से 0 कट गया और 1/2 में 0.5, अब मुझे मालूम है पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, आ गया वोल्ट आंसर, ठीक है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, और हाँ एक चीज और, अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बोला है भाई, बच्चे बताते हैं कि लाइक के रेशियो से ही पता चलता है भाई कैसा पढ़ा रहे हो आप, है कि नहीं भाई, डिसलाइक वाले अपना काम कर देते हैं, बच्चा है एक, पता नहीं कोई है,
डिसलाइक तुरंत मारेगा, तो जैसे जैसे अपलोड वैसे डिसलाइक। तुम लोग लाइक वाला भी काम ये कर दिया करो भाई, है वो डिसलाइक कर रहा, तुम लाइक भी कर दिया करो। चलो ठीक है, ये बात हुई, चलो जादू का है ना। तो अगला ब्रांड न्यू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ भाई आपके स्क्रीन के सामने, हाउ मच वर्क इज डन। इस बार वर्क डन पूछ रहा है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं। मेरे से पहले फटाफट ट्राई कीजिए आप लोग, ओके पॉज करके, तब तक मैं यहाँ पे अपनी कथा चालू कर रहा हूं। सो कह रहा हाउ मच वर्क डन, यानी वर्क डन क्वेश्चन मार्क है। मूविंग द चार्ज ऑफ टू कूलाम क्यू, फाइंड आउट करना है क्यू टू कूलाम। अब कह रहा पॉइंट, तो दो पॉइंट ले लेते हैं बैटरी के, एक ए पॉइंट ले लेते हैं और दूसरा बी, ठीक है ठीक है ओके। सो मेरे को डिफरेंस दे रहा है 118 एंड 128, तो मैं मान लेता हूं कि बीए पे 118 वोल्ट है। अब दे रहा है जो भी दे रहा है, ठीक है भाई। तो सपोज जरूरी नहीं है, मान लो सपोज ये तुम्हारा ए हो और ये बी हो, हाई पोटेंशियल, ओके ना। सो बीबी कितना दे रहा है भाई, बीबी दे रहा है हमको 128 वोल्ट। अब बात क्या कह रहा है भाई, वर्क डन बताओ। तो हमें मालूम है क्या, हमें मालूम है कि वर्क डन डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल डब्ल्यू बाई क्यू होता है। तो एक काम करते हैं, यहां से डेल्टा वी फाइंड आउट कर लेते पहले, और वो क्या हो जाएगा, वी ए डिफरेंस बीबी। याद रखो ऐसे मैंने बोला था, वी ए डिफरेंस बीबी क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि भाई डिफरेंस निकालेंगे, और डिफरेंस ऑलवेज ग्रेटर टू स्मॉलर निकालते हैं हम लोग। तो यहां पे बीबी माइनस बीवी कर लेंगे, 128 माइनस में 118 इज इक्वल टू 10 वोल्ट आपका आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। सो अब मुझे मालूम है कि वर्क डन के लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहां इसको सेकंड साइड ले जाओ, तो ये डेल्टा वी इंटू क्यू। अब दिया है तो मैं डेल्टा वी ही यूज कर रहा हूं, डेल्टा वी मैंने कितना निकाला है 10 और क्यू कितना है 2, सो डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 जूल आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन राइट है, हो गया, दैट्स इट। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही धांसू है। क्या लिखा हुआ भी, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर इज ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। मेरे को क्या दी गए, सिंपल सी बात बताओ, इलेक्ट्रिक करंट आई की वैल्यू 0.5 एम्पीयर है भाई, बहुत बढ़िया। ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्या मतलब सर इसका, ड्रॉन बाय, अरे फ्लो हो रहा है यार इलेक्ट्रिक बल्ब में, फिलामेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर अ 10 मिनट। टाइम दे रहा है कितना, 10 मिनट, बट ये एसआई यूनिट नहीं है ना, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 600 क्या सेकंड। इसके बाद क्या, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज क्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, ओके 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 ठीक है। सो अब हमें मालूम है, वी नो दैट, क्या भाई वी नो दैट, क्या पता है भाई, हमें पता है कि क्यू की, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, यही होता है ना, अरे ये वाला फॉर्मूला मालूम है ना, आई इज इक्वल टू क्यू आई टी, तो टी को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। तो क्यू इज इक्वल टू आई, आई कितना है 0.5 और टी कितना है भाई, टी है 600, मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट भूल जाओ, मैंने बताया था ना अगर मल्टीप्लाई करना है पॉइंट भूल जाओ, 6 5 30, अभी कितना 00 00 हो गया, पॉइंट एक डिजिट, यानी यहाँ पे यानी कितना आएगा 300, तो 300 कूलाम रिजल्ट आ गया, हो गया खत्म। कितना इजी हलवा सा क्वेश्चन है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा, ओके। सो अगर आपके पास बहुत सारी मतलब अलग टाइप की बुक है एनसीईआरटी के अलावा, बहुत अलग रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास, या लखविंदर सिंह की हो या एश्चंद की हो, जितनी भी हो, जो जैसी भी हो, आप उनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे, ओके। सो ठीक है, पॉज करके फटाफट नोट कीजिए। चलिए अब देखते हैं हम नए टॉपिक के बारे में, इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसका सर्किट डायग्राम भी देखेंगे जो हमारे घरों में लगे होते हैं, है क्या? सर्किट डायग्राम देखा होगा आप लोगों ने, यहाँ पे बोर्ड है ना, बोर्ड से बहुत सारे पाइप्स है जिसमें वायर जा रहे हैं, वो कनेक्टेड है अप्लायंसेस से, फ्रिज से, फैन से, बल्ब से, सेफल से, टीवी से, मोबाइल से नहीं होता, अरे आप चार्जेस करते हो ना, ठीक है बोर्ड। सो ये तुम्हारा क्या है, ये आपका सर्किट डायग्राम होता है जिसको पहले से मेंटेन करते हैं, देन तो क्या होता क्या है, यहां मैंने लिखा है अ क्लोज्ड एंड अ कॉन्टिन्यूस पाथ। हमारा एक क्लोज जो पाथ होता है वो एक क्लोज्ड पाथ होता है, क्लोज पाथ मतलब करंट गया एक पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो क्लोज्ड पाथ, ओके, थ्रू द विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट या फिर इज नोन एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा बात होता है क्या, क्लोज एंड कॉन्टिन्यूअस पाथ। भाई जैसे मेरे पास एक
बैटरी है या फिर सोर्स है, चलो, जिससे मैं इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करा सकता हूँ, यानी चार्जेस जिससे मुझे मिल गया है। तो मेरे पास एक क्या है, एक सोर्स है जो करंट फ्लो कर सकता है ना। फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मुझे करंट पास आउट कराना है ना। सो बल्ब ले लेते हैं, छोटा सा अप्लायंस, ठीक है भाई, बल्ब ले लेते हैं, ओके। फिर उसको मैं कनेक्ट कर देता हूं, लेकिन ऐसा तो सिर्फ होता नहीं है, हम स्विच भी, स्विच का भी तो यूज करते हैं, हमारे पास स्विच भी तो होता है। तो हमारे पास स्विच है, अब ये कैसा स्विच है, ओपन है, और जैसे हम ये वाला पॉइंट बना देते हैं क्लोज स्विच हो जाता है, क्लियर है ना। इसके बाद और भी कुछ होना चाहिए सर, हाँ एक एमीटर भी होना चाहिए, वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं आप, मैं सिंपल सिर्फ एमीटर बना रहा हूं, इतना काफी है, ठीक है। पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मेरे पास एक एमीटर भी है, ये मेरा बल्ब है, अब करंट जा रहे भी, करंट पास आउट हुआ इसमें या फिर चार्ज पास आउट हुआ, करंट फ्लो हो जाएगा कि नहीं, ये मेरा क्या, यही तो क्लोज एंड कॉन्टिन्यूस पाथ है, यही तो क्लोज और कॉन्टिन्यूस पाथ है, एंड इट इज नोन एज वॉट, इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये क्या है, ये आपका सर्किट डायग्राम है, ये क्या है, सर्किट डायग्राम, जिसमें कुछ सिंबलाइज किए गए हैं चीजों को, जैसे अमीटर, ये अमीटर का सिंबल है, की, ये क्लोज की, ओपन की का भी मैंने बता दिया, बैटरी, बैटरी का है जो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं, है ना, छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हुए हैं, बल्ब का साइन बना दिया, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हमारे सर्किट डायग्राम में होता है। अब ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट भी आ सकता है आपके एग्जाम में, तो कुछ खास नहीं होता भाई, आप सिंपल बोलेंगे व्हेन की इज क्लोज देन द सर्किट इज नोन एज अ क्लोज सर्किट, एंड व्हेन की इज ओपन देन द सर्किट इज नोन एज ओपन सर्किट। समझ में आया, की पे डिपेंड करता है, अगर हम ओपन कर दे तो ओपन सर्किट हो गया, और अगर क्लोज कर दे तो क्लोज सर्किट हो गया, यार सिंपल सी बात है, क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहां पे कुछ टर्म्स यूज करूंगा और आगे, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस, उसका सिंबल, ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का सिंबल अगर मैं बात करूं इस तरीके से, है ना, तो ये रेजिस्टेंस का सिंबल सिंबल हो गया। मैं ज्वाइंट वायर या फिर ज्वाइंट वायर के साथ वायर क्रॉसिंग विदाउट द ज्वाइनिंग, ठीक है, जैसे क्या होता है, मैं यहां पे सारे सिंबल धीरे धीरे लिखते जा रहा हूं, ठीक है, आप देख लीजिएगा। फिर जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो सिंपल मैं बल्ब का पहले साइन बना देता हूं, तो अगर मैं बल्ब का साइन बनाऊं तो कैसा होगा भाई, इस तरीके से, है ना, चिकड़म, ओके, सो पॉजिटिव नेगेटिव, ओके। अगर मैं बात करूं सेकेंड, चलो किसकी बात करूं यार, धीरे धीरे सेल की बात करता हूं, इसके सेल की बात करता हूं भाई, पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बताया था, बहुत सारे सेल से मिलकर देन बैटरी बनेगी, तो थर्ड नंबर बैटरी की बात कर लेता हूं भैया, ये कैसा, बहुत सारे सेल अटैच कर दो एक साथ, बैटरी बन फॉर्म्ड हो जाएगा, ओके, मैंने दो ही यूज कर लिया भाई, कोई दिक्कत क्या, ओके। देन आप बना सकते हैं की का, अब ओपन की, ओपन की आपका दो तरीके से सिंबलाइज कर सकते हैं, एक आप इस तरीके से, ठीक है, और एक आप इस तरीके से। अब ये देखिए मैं अटैच नहीं किया हूं, अब ऐसे अगर टक से दबा देते हैं ये इससे कनेक्ट हो जाता है और सर्किट क्लोज हो जाता है भाई, ऐसे रहता है इस तरीके से। अब जब ये ऐसे टच कर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा आपका, क्लोज हो जाएगा। तो ये हो गया एक, अब ये ओपन है, अब क्लोज कर देते हैं, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, तो क्लोज की देखते हैं कैसे बनेगा भाई। तो अगर मैं क्लोज की बात करूं, यहां पे एक पॉइंट या डॉट कर देता हूं, और इसको कैसे बनाएंगे भाई, तो चलो पहले इसको बना लेते हैं और ये वाला जो है इस पे टच करा देंगे, है कि नहीं, ये ओके, बस बन गया, हो गया, कौन सी बहुत बड़ी चीज है। तो ये आपका कैसा हो गया, ये क्लोज्ड हो गया की, क्लोज की। और अमीटर भी देख लेते हैं, चलो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर अमीटर भी देख लेते हैं, ये आप नोट करते रहिएगा। चलो अमीटर का साइन देख लेते हैं कैसे बनेगा भाई, तो ये बन जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, हमारा रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव, ओके।
और देखते हैं भाई, और देखते हैं, इसके बाद हमारा आता है सेवेंथ नंबर में वोल्ट मीटर। तो बस ये कर दो, हो गया, वोल्ट मीटर बन गया। ठीक है, इसके बाद चलो रेजिस्टेंस भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारी होती हैं यार, मैं धीरे धीरे करता करना चाहूंगा। तो मैं अभी देखो इन सब के कैसे साइन है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जब मैं रेजिस्टेंस का बनाऊंगा तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा आगे चल के। जब ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि भाई इस तरह का साइन कैसे है। ठीक है, मैं इसको एक अप्स ऊपर अप एंड नीचे डाउन हो गया। ओके, सिक्स्थ मैं आपको बता देता हूं, चलिए ज्वाइंट वायर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मान लीजिए, आप एक वायर यहां से लेकर गए, एक वायर यहां से लेकर गए। ठीक है, इसको ये तो अटैच हो ही गया पहले से ही। अब आपने क्या किया, यहां से एक और वायर लेकर गए और अटैच कर दिया। और आप कैसे कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी अटैच कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, क्रॉस करके लेकर चले गए, यानी क्रॉस वायर विद द ज्वाइन। ठीक है, और विदाउट ज्वाइन अगर आपको करना है, विदाउट ज्वाइन क्रॉस वायर, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये एक वायर है, इसके ऊपर से एक वायर आपको लेकर जाना है, तो आपको ये साइन बनाना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जिन्हें आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से। ओके, सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, काफी है। ठीक है, इसको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और रिवाइज करना बहुत जरूरी है, लर्न भी करना बहुत जरूरी है। थोड़ा कमेंट में भी किया करो यार, थोड़ा है ना इंगेजमेंट बढ़ाओ हल्का सा, ऐसा लगे कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है मैं ही करता हूँ, आप लोग कुछ है ही नहीं है, बस लेक्चर देके चला जाता हूँ, थोड़ी मेहनत लगती है, ऐसा थोड़ी ना मजाक करता हूँ, हो गया। ठीक है, सो ठीक है, चलो ठीक है, बाय।